असली किट, रोबोट का इन्वेंशन। शहर के नियम ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं। रूल नंबर 113 के मुताबिक गाजर दुनिया में खाने की सबसे अच्छी चीज है। जो खरगोश गाजर खाता है वही असली खरगोश है। जो नहीं खाते उन्हें गाजर नहीं खाने वाले खरगोश कह सकते हैं। रूल 128 कहता है कि शहर में रहने वाले हर बंदे को साथ में काम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। रूल 156 के मुताबिक कर सकता अगर वो ऐसा करता है। मैं तो ये सुनकर हैरान हूँ कि पहला ऐसा रहवासी जिसने शहर के सारे नियम सुनाए हैं। तुम सभी को इससे सीखना चाहिए। जिसे भी सारे नियम याद हो उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। मैं इस बात पर ये ऐलान करता हूँ कि तुम सभी की छुट्टियाँ कैंसिल। नियम याद करो घर बैठकर। अरे बॉस, नियम तो बड़े लंबे और बोरिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसे याद नहीं कर सकता। बकवास मत करो, मुझे भी आज के पहले यही लगता था कि उन्हें याद करना मुश्किल है, लेकिन कितने दिखा दिया है कि अगर हम कोशिश करें तो उन नियमों को याद किया जा सकता है। उसने जरूर कुछ ना कुछ किया है। बेकार की बातें मत करो, क्या तुम सब मेरे फैसले के खिलाफ हो? रॉबर्ट बॉब, मुझे आपके फैसले पर एतराज है। आप खुद ही देखिए ना, नियम याद करने की बात से फुटबॉल बेहोश हो गया। हम नियम याद ही नहीं कर सकते। मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ, इतने सालों में सिर्फ किट ही सारे नियम याद कर पाया है। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए? क्या कहते हो? बिल्कुल सही, फिर से एग्जाम लीजिए ना। फिर से एग्जाम लीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए। शांत हो जाओ, सबसे पहले तैयार हो जाओ। गाने का मुकाबला करें, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बस नहीं, अगर किट दूसरी बार परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं दूसरी बार परीक्षा लूंगा। अगर तुमने मना किया तो मार मार कर कचुम्बर बना दूंगा मैं। मुझे मंजूर है। डर लग रहा है ना? बढ़िया, तुमने न सिर्फ सारे नियम याद किए हैं बल्कि अपनी शराफत भी नहीं भूले हो। मैं इसे इजाजत देता हूँ कि अपनी पसंद से परीक्षा चुन लो। चुप रहो, बॉक्सिंग। स्वेटर बुनने का मुकाबला करें या फिर फिलॉसफी? क्या तुमने कुछ सोचा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ बताओ। मैं हर एक परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सभी परीक्षा देने को तैयार हूँ। सारे नियम पढ़ने के बाद उसका हौसला काफी बढ़ गया है। ठीक है, अगर ये तैयार है तो हम 3 दिन बाद इन सभी की परीक्षा लेंगे। थैंक यू रैबिट बॉब, बाय बाय। मास्टर मैं आ गया। धीरे बोलो, किसी को पता लग सकता है। तुम अभी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं हो और ऊपर से नकल भी नहीं कर सकते। मेरी मूवमेंट्स पर ध्यान देना, ठीक है? मुझे समझ पा रहे हो? जी मास्टर। इस तरह से अपने हाथ जितने फैला सकते हो उतने फैलाओ। तो चीज कहाँ गया? यहाँ दो दो किट को एक साथ देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो क्या तुम एग्जाम में पास हो गए? जी मास्टर, रैबिट बॉब ने 3 दिन बाद रीटेस्ट देने के लिए कहा है। क्या कह रहे हो, रीटेस्ट? ओ, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं मास्टर, मैंने सारे नियम सुना दिए थे। रैबिट बॉब ने खुश होकर मेरे अलावा बाकी सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी, तो मैं भी 3 दिन बाद एक और एग्जाम देने के लिए तैयार हो गया। तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ और आपने जो नियम बनाया है मैं उनका पालन कर रहा हूँ। मुझे भी बताओ ना कि वो नियम क्या है। मास्टर के दोस्त, वो नियम कहते हैं कि किसी भी जीव को मत सताओ और अगर कोई जीव परेशानी में हो तो उसे बचाओ। गाजर और मूली के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि जाओ यहाँ से। माफी मांगने से काम हो जाएगा? मेरी कोई गलती नहीं है, उन्हें समझना होगा। वो वहाँ पर है। बेवकूफ किट, सब उसी की वजह से हुआ है। माफी मांगना जरूरी है क्या? कोई मेरा नाम ले तो नहीं रहा है? आखिर वो लोग बात क्या कर रहे होंगे? सब किट की गलती है। बिल्कुल सही प्रिंसेस, हम उसे सबक सिखाते हैं। चलो। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी बात सुनो, हम किट को अगले एग्जाम में पहुंचने ही नहीं देंगे। वो वहाँ सबसे आखिर में पहुंचेगा, फिर उसे मौका नहीं मिलेगा, हम छुट्टी पे चले जाएंगे। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि तुम उनका साथ देना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी बात सही है, इस बार तो गलती उसी की है और हमें उसे हर हाल में सबक सिखाना ही होगा। हाँ सही कह रहे हो, मेरे सामने कोई जीनियस नहीं है, गली का एक आम बेवकूफ है। क्या? मैं तो माफी मांगना चाहता था, मगर ये मुझे हराना चाहते हैं? कोई बात नहीं, अब मैं दिखाऊंगा। मुझे उन सभी के लुक, मूवमेंट और बात करने के तरीके के डेटा चाहिए।
और फिर काम बन जाएगा। उन सबके अपने अपने डेटास हैं। मैं नकली के साथ असली को मिला दूंगा और मजा आ जाएगा। मैं हूँ जीनियस। उनके तो दांत भी वैसे ही है। ध्यान से, ये बिल्कुल नया बगी है। इसके मस्कुलर मूवमेंट बिल्कुल उसी की तरह है और पर्सनालिटी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर नहीं बताए तो मेरा क्या कर लोगे? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों एक जैसे हैं। लेकिन क्या ये तुम्हारा ऑर्डर मानेगा? बिल्कुल मानेगा, ये तो बस रोबोट का एप्लीकेशन सिस्टम है। चलो देखते हैं इसे कंट्रोल सिस्टम। कौन है वो? किसने किया ये? बगी, बगी, तुम क्या करने जा रहे हो? रॉकेट रैबिट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बगी, हमें तो ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बगी, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे बताओ तुम इतना तेज कैसे दौड़ते हो, बताओ। बस ये बात, नो प्रॉब्लम। अगर तुम भी तेज दौड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को एडजस्ट करो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को फील करो। इसी तरह से धीरे धीरे आराम से। दूसरी बात, तुम्हें अपने हाथ भी हिलाने होंगे, ये मत भूलना, बहुत जरूरी है। मेरी तरफ देखो, हाथ आगे पीछे हिलाने हैं। रिलैक्स रिलैक्स करो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ सको। मेरी तरह बिल्कुल ऐसे। कोऑर्डिनेट्स टारगेटेड रेडी गो। इस तरह से कोई मुझे मेरे ख्याल से ये तुम्हारा आज तक का सबसे वायलेंट इन्वेंशन है के? हाँ, सही कहा तुमने। और अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कैसे हो डियर बगी? प्रिंसेस, तुमने आवाज दी प्रिंसेस। हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने प्रिंसेस? हाँ, जब मेरे दिमाग में बॉक्सिंग की बात आई तो मैं बहुत घबरा गई और सो नहीं पाई। क्या तुम मुझे बॉक्सिंग में जीतना सिखाओगे? हाँ, नो प्रॉब्लम। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं इस काम में माहिर हूँ। लेफ्ट हुक, लेफ्ट हुक, प्रिंसेस, मैं दूसरे पेड़ पर तुम्हें सही तरीके से सिखाता हूँ, देख लेना। बगी दमदार किक मारेगा। बगी की सीरियल किक्स, मारते रहो। चलो बगी, दुश्मन पहले राउंड के बाद ही गिर जाएगा, देखना। और डिटेल्ड, और थोड़ा डिटेल्ड। लेफ्ट हुक, राइट हुक। ओ, प्रिंसेस की हर मांग पूरी होगी। तुम बहुत बुरा करने की सोच रहे हो के? सवाल छुट्टियों का है, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और मैं सिर्फ इसी तरीके से कुछ कर सकता हूँ। एक बार और सोच लो के। बहुत शोर हो रहा है, क्या हो रहा है ये? किट, अब तुम क्या करने वाले हो? अब लगाऊंगा चिप, यही कंट्रोल सिस्टम का कोर पार्ट है। इससे ही इसका दिमाग काम करता है और सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। कुछ समझे या नहीं? समझ में नहीं आया। बात यह है कि चिप इसकी आत्मा है, यही रोबोट की रूह है। रोबोट के अंदर ये चिप डालने के बाद ही ये असली इंसान की तरह काम कर सकता है। उसके बाद ये वही करेगा जो इसे कहा जाएगा, वही कहेगा जो इसे कहा जाएगा और हर वो काम सीख लेगा जो इसे सीखना चाहिए। ये देखो स्वीटी, मैंने बनाई है। हेलो शर्मिली स्वीटी। शर्मिली, मैं तो नहीं शर्माती हूँ, मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? बताओ मुझे। वाकई तुम्हारी शर्मिली स्वीटी है ना?
सॉरी, लगता है मैंने गलत चिप डाल दी है, ये बगी का है। आज हम पहली बार देखेंगे कि तुम नियम याद करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हो, इसलिए सीरियसली काम करना। फिक्र मत करो रॉकेट रैबिट, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे ना तो किट हमें कभी नहीं हरा पाएगा। वो आ रहा है, घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर वो तुमसे तेज दौड़ेगा तो मैं उसे रास्ते में ही रोक लूंगा और दूसरे एग्जाम्स की बात करने लगूंगा। आराम से, मैं आज तक कभी कोई रेस आ रहा हूँ क्या? लग रहा है कि सब तुमसे बहुत नफरत करते हैं, इसके बाद भी तुम कॉन्फिडेंट हो? हाँ बिल्कुल, तुम बस देखते जाओ स्पिनर। तो रेडी? हे डोंट वरी, मैं नहीं हारूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। किट, मैं फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, अगर तुम वहाँ तक पहुँच तो जाओगे ना। ठीक है, रेडी। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, पहले तुम मुझे पूछ सकते हो। इंफॉर्मेशन सर्चिंग फिनिश्ड, कुछ भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? वो सब साथ साथ है ना। तुम्हें फुटनोट को एक स्ट्रेटेजी से आना होगा। समझे कि नहीं? स्ट्रेटेजी? सही कहा। चलो ये बताओ, पहले अंडा आया या मुर्गी? अंडा या मुर्गी, कौन पहले आया था? मुझे ये देखना पड़ेगा। बगी, आगे का तुम देख लो। करो, मैं हूँ ना। अब देखता हूँ वो इसे कैसे पार करता है। इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? हाँ, ये तो नामुमकिन लगता है कि इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है। रुको किट, ऐसी भी क्या चलती है, पहले मेरे साथ बॉक्सिंग का ग्राउंड हो जाए, फिर मजा आएगा। देखता हूँ कैसे जीत पाते हो तुम, देखूंगा। तुम तो गए, तुम तो बड़े फ्लेक्सिबल हो। डिफेंसिव सिस्टम ऑपरेशनल। अब मुझे बगी के घुसों से डर नहीं लगता, मेरा सपना पूरा हो गया है। वो एक रोबोट है। मेरे पैर से बचो। देखो मेरी छलांग। खुद को फ्लेक्सिबल समझते हो, अब नहीं छोड़ूंगा। अब तो तुम